किया कि वो स्कूल में दाखिल हुआ। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि जबान अटकता था। प्रॉब्लम थी हाँ, कोई जो भी आप कहते हो उसका जो स्पेसिफिक नाम है मुझे पता है, लेकिन हाँ बिल्कुल अकला तो अकलाता था। अब वो काफी दिनों तक स्कूल में पढ़ता रहा, एक साल पार की, बड़ी मुश्किलों से पार की उसने। उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में उसको एक टीचर ने लिख के दे दिया पेज के ऊपर, खुद तो खुद नहीं समझ सकता रहा, ये अपनी अम्मी को दे देना जाके। उसको लिख के दिया कि आपका बच्चा स्कूल के अंदर नहीं रह सकता, आप इसे अपने पास किसी भी स्कूल में ले सकते, क्योंकि आप इसे अपने पास रखिए अपने घर पे और अपने घर पे पढ़ाइए, क्योंकि ये किसी को फेस नहीं कर सकता है, बोल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो क्यों लाए फिर उसकी माँ के पास एक लेटर है, उसके हाथ में आम हुआ है, उसके सामने उसने जाहिर तौर पर अपेरेंटली मजाक नहीं किया कि कुछ गलत लिख के दिया तुम्हारे मैंने, उसने उस बच्चे को उलट कर कर जो है बताया कि तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे जैसे मुकाबले का कोई बच्चा उस स्कूल के अंदर नहीं है। बोलने की ताकत होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे क्या करना होता है बोलता हूँ काउंटर स्क्रीन में हमारा काम हम बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलें और मैं सुनूँ, कभी ऐसा कुछ हो कि मैं वहाँ बैठा हूँ होता है टीचर भाई शांता बात है तो मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा मैं अकेला जो है इवेंट करता हूँ कराची में या कोटा में भी जाता हूँ तो अकेला करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से किसी को मैं वो करूँगा दावा तो मैं इन्वाइट करूँगा कि वो कम्प्लीट जिनका रिश्ता है कि ट्रेनिंग देगा वो ऐसा होना चाहिए कि पता भी हो कि मतलब ना आप फेस कर रहे हो उसको प्रेजेंट करते हो ना, मुझे पता कितने लोग हैं नहीं लेकिन प्रेजेंट करते हो तो आप फेस कर रहे हो, इसी जगह पर नहीं देख रहे हो तो जो सब भी होता है ना इंसान क्या करता है प्रेजेंटेशन के ऊपर सब